हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं खीर। बनाने के लिए हम एक छोटी कटोरी चावल की 15 मिनट तक भिगा के रख देंगे। पंद्रह मिनट हो गए चावल को भिगाए हुए। इसे हमें 3-4 पानी से धोना है। ये हमने धो के रखा हुआ ऑलरेडी। अब हम इसे एक पतीले में डाल देते हैं और इसमें पानी ऐड करते हैं। पहले हम इसे पानी में पकाएंगे। एक कटोरी चावल में तकरीबन हमने 5 कटोरी पानी ऐड करके पकने के लिए रख दिया गैस पे। अच्छे से इसे पका लेंगे पहले थोड़ी देर तक। 10 मिनट हो गए राइस को पकते हुए। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। छोटी कटोरी चावल में हमने 1 kg दूध डाला है और हमें इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है हमारे खीर को पकते हुए। थोड़ा सा पहले से ये थिक हो गई है। अभी हमें इसे और पकाना है जब तक ये अच्छे से पक न जाए। खीर बनते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। खीर में डालने के लिए हमें आधी कटोरी चीनी चाहिए। इसे हम पहले पैन में अच्छे से, चीनी हमारी पक रही है पैन में, थोड़ी देर तक हमें इसे पकाना है। इसका कलर थोड़ा हल्का भूरा हो जाएगा तो हम इसे खीर में ऐड कर देंगे। हमने चीनी को खीर में ऐड कर दिया। अब हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। खीर में इलायची के दाने ऐड करते हैं जो हमने कूट के पहले से रेडी रखी हुई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। खीर बनके हमारी रेडी है।